News 18, India. और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। और ये पूछताछ मुख्यमंत्री आवास पर ईडी की टीम कर रही है। आधे घंटे पहले ईडी की टीम सीएम आवास पर पहुंची थी और आधे घंटे से ये सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ईडी की पूछताछ शुरू हो चुकी है। 10 बार समन्स जारी किए गए थे, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने खुद ईमेल भेजकर ये कहा था कि मैं 31 तारीख को 1 बजे से सवाल जवाब के लिए तैयार रहूंगा। तो सीएम आवास का ही उन्होंने जिक्र किया था कि जो सवाल पूछने हैं यहीं पर पूछे जाएं। और ऐसे में इस वक्त ईडी की टीम उनके घर पर मौजूद है। ईडी की टीम ये पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, सीएम आवास पर ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। लगभग आधे घंटे का वक्त हो चुका है, 1 बजे ये पूछताछ शुरू होनी थी। हालांकि लगभग आधे घंटे की देरी से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन इस वक्त तमाम सवाल जवाब ऐसे होंगे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो कि हेमंत सोरेन से पूछे जाएंगे। और इसी को लेकर अब झारखंड की जो सियासी जमीन है वो गर्मा गर्मी गर्म दिखाई दे रही है। और सीधा हम दिवाकर का रुख कर लेंगे। दिवाकर, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? लगभग आधे घंटे से पूछताछ जारी है। देखिए, लगभग आधे घंटे से ईडी की जो टीम है वो सीएम आवास के इसी गेट के अंदर है, सीएम आवास में मौजूद है और पूछताछ चल रही है। मैं आपको बता दूं कि 7 सदस्यों की ये टीम है और सवालों का सवालों की फहरिस्त है वो ईडी की टीम के साथ है। जैसा कि सीएम ने बताया था कि पिछली दफ़ा उन्होंने 17 से 18 सवालों का जवाब दिया था, कुछ सवाल रह गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि 20 से 30 सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब ईडी चाहेगी। और ईडी लगता है कि जिस तरीके से पिछली बार पूछताछ हुई थी, करीब 7 घंटे तक पूछताछ चली थी, ये भी देर रात तक खत्म होने का संकेत है। और ईडी जब सवालों के पूछताछ करेगी तो वो सवाल होंगे जिससे हेमंत सोरेन का कहीं ना कहीं नाम आया था। जो अधिकारी पकड़े गए थे, तत्कालीन डीसी छवि रंजन या जो सीआई थे भानु प्रताप प्रसाद और तीसरे जो अधिकारी थे मनोज कुमार, ये जो तीनों अभी गिरफ्त में हैं और जेल में हैं, ट्रायल उनका चल रहा है। तो ऐसे में उनके जो जब उनसे पूछताछ चल रही थी और उनसे जांच चल रही थी तो ईडी की टीम को कुछ जो है तथ्य मिले थे, कुछ सबूत मिले थे और उन्हीं तथ्यों के संबंधी सवाल पर जो है मुख्यमंत्री का जवाब चाहती है कि क्या मुख्यमंत्री की संलिप्तता है मुख्यमंत्री के आवास या मुख्यमंत्री के कार्यालय या मुख्यमंत्री के सचिवालय से, मुख्यमंत्री के ऑफिस से कोई संलिप्तता है किसी व्यक्ति की। तो तमाम सवालों के जवाब देंगे मुख्यमंत्री। अब देखना होगा कि ईडी की टीम आज जो सवाल जवाब होंगे उससे संतुष्ट होगी। आज जो ईडी का समन लगा, बिल्कुल इसी बात का जिक्र कि ईडी का आज क्या रुख रहेगा, किस तरह के सवाल जवाब किए जाते हैं, यही तय करेगा कि हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होगा, सियासी कदम क्या होगा इसके बाद। देखिए, ईडी की टीम के पहुंचने से ठीक 1 घंटे पहले मुख्यमंत्री ने विधायकों को बुला रखा था और विधायक लगातार आते जा रहे थे, विधायकों से बातचीत उनकी चल रही थी और ये इसी कड़ी में हो रही थी कि आगे अगर मुख्यमंत्री पर कोई राजनीतिक संकट आता है तो मुख्यमंत्री आगे की रणनीति को किस तरीके से, वो अपने फैसले को किस तरीके से अंजाम दे सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि सभी विधायकों का भरोसा उनके साथ रहे, सभी विधायकों का समर्थन उनके साथ रहे। जो आंकड़ा है, ज़रूरी आंकड़ा है सरकार बचाए रखने के लिए और सरकार में बने रहने के लिए, वो आंकड़ा मुख्यमंत्री के साथ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंकड़े जो है मुख्यमंत्री के साथ हैं। कुछ विधायक ज़रूर बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन विधायकों की गैर मौजूदगी बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी नहीं करती है। केवल एक विधायक हैं सीता सोरेन जो मौजूद नहीं थी और उनके जो तेवर हैं, जिस तरीके से उन्होंने कुछ विरोध के सुर निकाले उससे लगा कि कहीं ना कहीं इस सरकार पर संकट आ सकता है। लेकिन विधायक मायने रखते हैं, अगर सीता सोरेन के साथ विधायकों की संख्या ज़्यादा होगी और वो बहुमत के आंकड़े से जो जेएमएम गठबंधन दल का जो आंकड़ा है उसको नीचे लाती हैं, यानी 41 का जो मैजिक नंबर है उससे नीचे लाती हैं। लेकिन दिवाकर, हेमंत सोरेन के साथ भले ही आंकड़े हो लेकिन गिरफ्तारी की जो तलवार उन पर लटक रही है, ऐसे में प्लान बी का तैयार रहना बेहद जरूरी जेएमएम की ओर से समझा गया। आपका रुख करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है झारखंड से। बड़ी खबर, पद पर सौंप सकते हैं, सीएम पद सौंप सकते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम पद सौंप सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक कल रांची में हुई विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों पर भरोसा जताया और सभी विधायकों से समर्थन पत्र पर दस्तखत भी कराए हैं। अपनी पत्नी को सीएम पद वो सौंप सकते हैं। कल्पना सोरेन झारखंड की मुख्यमंत्री हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है क्योंकि लगातार यही बात कही जा रही है कि हेमंत सोरेन को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ईडी की टीम इस वक्त उनसे पूछताछ कर रही है। ऐसे में अपनी पत्नी को उन्होंने आगे किया है, कल्पना सोरेन झारखंड की मुख्यमंत्री होंगी क्या, इस पर उन्होंने समर्थन भी हासिल किया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। तो विधायकों का पहले ही भरोसा जीत लिया गया, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि गिरिडीह से गांडे से एक विधायक को रिजाइन करवाया गया था। हालांकि अपनी मर्जी से पर्सनल रीजंस देते हुए उन्होंने रिजाइन किया था, लेकिन माना यह जा रहा था कि हेमंत सोरेन अगर मुसीबत में पड़ते हैं, गिरफ्तार होते हैं ईडी से, तो वहां से उस सीट से जो हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, उन्हें चुनाव लड़वाया जा सकता है। और इसी को लेकर ये बी प्लान था जो जेएमएम की ओर से तैयार किया गया। और देखिए, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम झारखंड की नई मुख्यमंत्री के तौर पर लगभग पक्का हो चुका, लेकिन हेमंत सोरेन के इस फैसले के बाद उनके परिवार में एक अलग ही युद्ध छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हेमंत सोरेन के परिवार में कौन किसके साथ है, इसे समझिए कि वहां पर क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नया सीएम तय होते ही परिवार में युद्ध छिड़ा है। कल्पना सोरेन जो की उनकी पत्नी है, उनको सीएम बनाने की तैयारी है, लेकिन सीता सोरेन, दुर्गा सोरेन की ये पत्नी है, देखिए हेमंत सोरेन के खिलाफ हो चुकी है। इन्होंने कहा है कि हमें ये मंजूर नहीं है। और इसके अलावा परिवार में अंजलि सोरेन का नाम सामने आता है जो कि उनकी बहन बताई जा रही है। हेमंत सोरेन के साथ वो खड़ी हुई दिखाई दे रही है। बसंत सोरेन छोटे भाई है, ये भी हेमंत सोरेन के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अब जब सियासी जो जमीन है वो गर्म दिखाई दे रही है, जो खींचतान है वो जेएमएम पार्टी में कि अगला सीएम कौन होगा, कौन लीड करेगा, ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो झारखंड में सियासी हंगामे के बीच सोरेन परिवार में दरार सामने आई है। हेमंत सोरेन की भाभी और जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने बड़ा दावा किया है। सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन के बाद खुद को सीएम पद का बड़ा दावेदार बताया है। साथ ही कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। तो अंतर्कलह सामने आई है। कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री पद की दावेदार तो मानी जा रही है कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार तो उन पर लटक रही है। लेकिन अब हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने आपत्ति दर्ज की है और ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि असली दावेदार तो मुख्यमंत्री पद की वही है। तो यहाँ पर पेच फंसा हुआ है। कल जो मीटिंग करते हैं हेमंत सोरेन, 31 घंटे बाद वो सामने आते हैं, रोड के रास्ते दिल्ली से वो पहुंचते हैं झारखंड, और जब मीटिंग करते हैं तो वहां पर कुछ विधायकों की नामौजूदगी भी ये बतलाती है कि सब कुछ ठीक नहीं है पार्टी में। और हेमंत सोरेन की भाभी के बड़े दावे पर बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है, जबकि जेएमएम ने यह दावा किया है कि उनके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे। हालांकि विकल्प तैयार करने की भी सामने से बात कही जा रही है। इस तरह की बैठकों का दौर जारी रहता है, कवायदें होती रहती है। जहाँ तक सीता सोरेन की नाराजगी का सवाल है, वैसे कई बार वो नाराज होती हैं तो ठीक हो जाती हैं। ये उनका अंदरूनी मामला है। समाचार पत्रों में हमने देखा है कि 4-5 विधायक जिसमें रामदास सोरेन जी नहीं थे, वो इलाज करा और चमरा लिंडा ने आया है, लोग उन्हें क्षेत्र चले गए, तो ये उनका दल का अंदरूनी मामला है। इस तरह की पार्टी पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की साजिश का सामना करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए। और हालांकि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी क्योंकि तमाम विधायक, माननीय विधायक, मंत्रीगण सभी एकजुट हैं हमारे गठबंधन में, कांग्रेस, राजद और जेएमएम के, और उन्होंने एक स्वर में कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय हेमंत सोरेन जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर किसी भी तरह से भाजपा परेशान करने की कोशिश करेगी, उसके लिए भी पार्टी हर तरह से तैयार है। उसके लिए नाम अभी तक कोई ऐसा सामने सार्वजनिक रूप से नहीं आया है।